नमस्कार। आज आपको बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस जो भर्ती है उसके अंदर फॉर्म जो है पीछे भरवाए गए थे वो कैंसिल हो गए, और उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। तो आप कहाँ से प्राप्त करोगे? तो सबसे पहला इसका ऑप्शन है कि आपका जो जीमेल आईडी है या जो ईमेल आईडी, कोई भी, चाहे वो जीमेल में हो, रेडिफ में हो, याहू में हो, किसी में भी हो, उसके अंदर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपको। उसको ओपन करें और चेक करें। दूसरा, जो आपने टोकन कटवाया था उस टोकन के आगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो मैं दिखा देता हूँ। यानी जिस ई मित्र पे आपने टोकन कटवाया है उस टोकन के ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ये कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके SSID होगी पहले, उसके आगे ओब्लिक लगाए और उसके आगे आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। तीसरा इसका ऑप्शन है कि आपने जहाँ फॉर्म भरवाया था जिस ई मित्र के ऊपर, और वो फॉर्म कितनी तारीख को भरवाया था, उस फॉर्म की जो तारीख है वो आपके कई जो प्रिंट होते हैं उनके नीचे, यहाँ पे नीचे लिखी हुई मिल जाएगी, या नीचे लास्ट लास्ट में पेमेंट डिटेल्स है फॉर्म के अंदर, उसके अंदर एप्लीकेशन नंबर नहीं है, टोकन नंबर है। तो उस पेमेंट डिटेल के अंदर टोकन नंबर को दोबारा आप रिप्रिंट करवाओगे तो उसके अंदर इसी प्रकार का टोकन निकल जाएगा, और उस टोकन के आगे कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन जो है उससे पहले आप अपना जो SSID है वो देख सकते हो, और उसके आगे आपका एप्लीकेशन नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो तीन तरीके हैं। चौथा तरीका जो है वो आपके मोबाइल पे SMS आया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये चार तरीके मैंने आपको बताए हैं जहाँ से आप अपनी जो पुरानी एप्लीकेशन आईडी है वो प्राप्त कर सकते हो। एक पांचवा तरीका और है कि आपने जो एडमिट कार्ड निकाला था पहली बार, उस एडमिट कार्ड के 3 नंबर कॉलम यानी रोल नंबर के जस्ट नीचे वाला एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, तो वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये 5 तरीके हैं, आपको मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत थी कि उनको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा था, तो ये 5 तरीकों के माध्यम से आप निकाल सकते हो। इसके बाद रही कि आप जो फॉर्म आपने पहले भरवाए थे, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि फॉर्म हमने भरवा रखा है, तो जो फॉर्म भरवा रखा है उसको आपको दोबारा भरवाना पड़ेगा। यानी वो फॉर्म जो है आपको दोबारा भरवाना है, उसमें 26 रुपये का टोकन कटेगा दोबारा आपसे, जो ई मित्र पे आप जाओगे वहाँ 26 रुपये का टोकन कटेगा, वहाँ से दोबारा भरवाना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिलना, ईमेल आईडी बोलना, या अपनी एक ईमेल आईडी नहीं रखना, इसके कारण आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो आप हमेशा अपने आधार कार्ड के बेस के ऊपर SSID बनवाएं, यदि गुम भी हो जाएगी तो वो आधार कार्ड के बेस पे फॉर्मेट हो जाती है, दोबारा आ जाएगी, उसका पासवर्ड भी आपको रिकवर हो सकता है। ईमेल आईडी हमेशा एक ही रखें, एक ही SSID रखें। राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी फॉर्म भरवाए जाएंगे वो उसी SSID से भरवाए जाएंगे, उसी एक ही ईमेल आईडी लगवाओ ताकि आपको कोई भी फॉर्म की सूचना है वो एक जगह मिलती रहे। तो आप अपना एक बायोडाटा के रूप में, एक मार्कशीट के रूप में ही उसको सेव कर लो, SSID उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी उसका पासवर्ड, और एक स्थायी सिम रखें मोबाइल की, जो आपके आधार कार्ड में वो मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर आप आधार में लिंक करवाओ वो सिम हमेशा परमानेंट अपने पास रखें। और यदि नंबर चेंज करना है तो पहले आधार कार्ड का नंबर चेंज करवा लें, जैसे मान लो 10 दिन बाद में आपको नंबर चेंज करना है, पहले वाली सिम काम नहीं लेनी, तो पहले उसका नंबर चेंज करवा लें, तब तक वो 10 दिन वो काम आएगी, 10 दिन में आपका आधार कार्ड के अंदर जो करेक्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद अपनी SSID के अंदर वो मोबाइल नंबर दूसरा जो आ गया वो अपडेट करवा लें, ईमेल आईडी के अंदर मोबाइल अपडेट करवा लें, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो व्यवस्थित होगा। यानी ज़्यादातर जो ई मित्र वाले हैं उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं होता, या उनका उद्देश्य है कि बच्चे का फॉर्म भर देते हैं। तो बच्चे को फॉर्म भरने से पहले आप उसको एक पेज के ऊपर प्रिंट निकाल कर दें, किसका,
SSID उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी उसका पासवर्ड, कौन सा मोबाइल नंबर आपने ईमेल आईडी के अंदर अपडेट कर रखा है, कौन सा मोबाइल नंबर आपने SSID के अंदर अपडेट किया है। और बच्चे को ये बोलें कि यही जो है आप हमेशा स्थायी रखना, कोई भी फॉर्म भरवाए तो इसी को लगाना है, जिससे कि उस बच्चे को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से पीछे जो इंडियन आर्मी के फॉर्म भरे गए थे तो बच्चे को ईमेल आईडी मालूम ही नहीं, पासवर्ड मालूम ही नहीं, ऐसे ही कोई ईमेल आईडी बनाई लगा दी, एक बार काम निकल गया फॉर्म भरते टाइम, बाद में जब एप्लीकेशन नंबर मिल कहाँ से देखोगे, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो उसके अंदर एक ही नंबर मोबाइल नंबर लगाएं जहाँ लगा रहे हो, एक ईमेल आईडी रखें, SSID रखें, और यदि आपको एक से ज़्यादा ईमेल आईडी रखनी है, SSID रखनी है, तो उसको फिर अलग पेज के ऊपर टाइप करके रखें कि मैंने ये फॉर्म इस आईडी पे लगाया, ये फॉर्म इस आईडी पे लगाया, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कत सामना करनी है। ये सबसे बढ़िया काम है एक SSID, एक ईमेल आईडी, एक ही मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड के अंदर आपकी लिंक हो। यदि इस प्रकार से आप करते हो तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो एडमिट कार्ड में निकालने में आएगी, ना ही कोई एप्लीकेशन नंबर सर्च करने में आएगी, या कोई अन्य जगह कोई दिक्कत आएगी। तो मेरी जो सूचना है आपको अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।